हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन एट प्रोजेक्ट एजुकेशन। आप सभी का स्वागत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, फंक्शन अपन पढ़ रहे थे। फंक्शन में अपन ने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों। टेक्निकल डेफिनेशन गवर्नमेंट द्वारा जारी थी, नॉन टेक्निकल अपन ने खुद ने बनाई थी। नॉन टेक्निकल डेफिनेशन से काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, आपने पढ़ ली। आगे बढ़ते हैं तो अब अपन फोकस करेंगे इस वाली वीडियो में डोमेन, ठीक है, कोडोमेन, रेंज ले ले पहले, एंड कोडोमेन, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ये फंक्शन में क्या होती है? आप कहोगे सर ये तो आपने पढ़ा दी थी। बिल्कुल पढ़ा दी थी। कहाँ पढ़ाई थी? रिलेशन में पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी वो भी देख ले। जो जो डेफिनेशन लिखाई थी रिलेशन में, वो की वही डेफिनेशन क्या होगी फंक्शन में? क्योंकि ऑल फंक्शन आर रिलेशन, सारे के सारे फंक्शन क्या है? रिलेशन है। तो जो रिलेशन की डेफिनेशन, वही फंक्शन की डेफिनेशन। तो जो फंक्शन रिलेशन में डोमेन था, वही फंक्शन में होगा। जो रिलेशन में रेंज थी, वही फंक्शन में होगी। जो कोडोमेन था रिलेशन में, वही यहां पे होगा। तो जैसे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, फंक्शन है सेट ए टू सेट बी में। सेट ए से सेट बी में फंक्शन है, तो देखो क्या क्या होगा। डोमेन क्या होता था? डोमेन होता था ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। समझना आप बात, क्या था? ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। जितनी पॉसिबल इनपुट वैल्यूज होगी वो क्या कहलाएगी? वो सारी की सारी डोमेन कहलाएगी। ठीक है, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज डोमेन कहलाएगी। फ्रेंड्स, सोचे और विचार करें और फंक्शन की डेफिनेशन पे चले जाए। फंक्शन की डेफिनेशन, लोकल डेफिनेशन क्या बोलती थी? ये सेट ए था, ये सेट बी थी। सेट ए में सारी की सारी क्या थी? गर्ल्स थी। और सारी गर्ल्स की क्या करवानी थी आपको? शादी करवानी थी। ऑल गर्ल्स आर मैरिड, शुड बी मैरिड, है ना? ऑल गर्ल्स शुड बी मैरिड। तो सारी गर्ल्स की आपको शादी करवानी थी फ्रेंड्स। तो सारी की सारी गर्ल्स की शादी करवानी थी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए के सारे एलिमेंट का कनेक्शन किसमें होगा? बी में होगा। समझे बात को? लोकल डेफिनेशन बोलती थी सारी गर्ल्स की क्या करवा दो? शादी करवा दो। यानी ए के सारे एलिमेंट किससे कनेक्टेड हो जाएंगे? बी के एलिमेंट से। मतलब समझ रहे हैं आप? अगर टेक्निकल पे चलता हूं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसके सारे के सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए किसमें? सेट बी में। कहने का मतलब जितने भी एलिमेंट इसमें हैं वो सब के सब किस में जाएंगे? इनपुट में जाएंगे। यानी ये जितने भी एलिमेंट इस सेट के अंदर है वो सारे के सारे किस में जाएंगे? इनपुट में। तो ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज में पूरा का पूरा सेट ए इनपुट हो जाएगा। सेट ए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? इनपुट। समझ में आया कि नहीं आया? सेट ए पूरा का पूरा सेट बी में क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। इसको मैं क्या बोलूंगा? ये पूरा का पूरा इनपुट हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो डोमेन में होगा, डोमेन क्या होगा? पूरा का पूरा सेट ए डोमेन बन गया। पूरा का पूरा सेट ए डोमेन बन गया। तो सेट ए क्या कहलाएगा? ये पूरा का पूरा डोमेन। फ्रेंड, समझने वाली बात यही है बस इस पूरे टॉपिक में, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन में। समझने वाली बात यही है कि पूरा का पूरा ए क्या बन गया? डोमेन बन गया। क्यों बन गया? आपको समझ में आया होगा। ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज क्या थी? डोमेन था। लेकिन यहां डेफिनेशन से, फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। यानी इसके सारे के सारे एलिमेंट की उधर इमेज होनी चाहिए। लोकल डेफिनेशन क्या बोलती थी? सारे गर्ल्स का इधर कनेक्शन बनना चाहिए, यानी उनकी शादी होनी चाहिए। तो इसके सारे के सारे एलिमेंट इनपुट में चले जाएंगे। यानी पूरा का पूरा सेट ए क्या बन गया? डोमेन बन गया। अब तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, मैंने काफी समझा दिया, आगे बढ़ूंगा मैं। तो आपको समझ जाना चाहिए यहां पूरा का पूरा सेट ए क्या बन गया? डोमेन बन गया। वहां कोडोमेन क्या होता था फ्रेंड्स? कोडोमेन होता था बी। यानी यहां पर भी कोडोमेन क्या होगा? बी होगा। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कोडोमेन था वैसे वैसे यहां कोडोमेन। और रेंज क्या था? रेंज जो वहां थी, आउटपुट वैल्यूज, आउटपुट वैल्यूज। वो आउटपुट वैल्यूज क्या थी? जो आउटपुट में आएगी वो रेंज होगी। बिल्कुल वैसे वैसे यहां जो आउटपुट में आएगी वो रेंज होगी। तो यहां पे आउटपुट तो रेंज होगी। सेट ए पूरा का पूरा डोमेन होगा एंड कोडोमेन क्या होगा? बी। तो यहां से डोमेन अपना क्या बना? ए। तो कोडोमेन क्या बन गया? बी। एंड रेंज आपको फाइंड आउट करनी है। कहने का मतलब डोमेन की डेफिनेशन क्या हुई फंक्शन में? ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, वो की हुई डेफिनेशन। लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन ऐड होने से ये पूरा का पूरा डोमेन बन गया, जबकि रिलेशन में ऐसा नहीं था। रिलेशन में ये पूरा डोमेन नहीं होता था, इसमें से अपन जो जो वैल्यू पुटअप करेंगे वो डोमेन होती थी। पर यहां पर क्या? पूरा का पूरा ए में से सारी वैल्यू पुटअप करनी पड़ती है, पूरा पूरा सेट ए डोमेन बन जाता है, क्योंकि सारी सारी वैल्यू पुटअप हो जाती है। तो ये डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज हुआ। छोटा सा एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। सपोज एक फंक्शन दे रखा आपको ऐसे 1 2 3 4
ए बी सी डी, यो फंक्शन डिफाइन है, जैसे वन का रिलेशन अपन इनसे कर दिया, ये हो गया। तो यहाँ पे अगर डोमेन की बात करें, इसमें ये फंक्शन है भैया, देखो सारी गर्ल्स मेरिड है, ऑल गर्ल्स आर मेरिड, किससे, इधर मेरिड है, वन का हस्बैंड ए है, टू का हस्बैंड ए, थ्री का बी, फोर का सी, मामला सेट है। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा गर्ल्स पूरी पूरी इनपुट में आ जाएगी, वन टू थ्री फोर, तो सेट ए पूरा का पूरा डोमेन हो गया ए बी। को डोमेन की बात करें तो सेट बी क्या हो गया, पूरा का पूरा को डोमेन हो गया। एंड रेंज की बात करोगे फ्रेंड्स तो रेंज क्या होगी, रेंज जो बी में से एलिमेंट कनेक्टेड हुए हैं यानी आउटपुट में आए ए बी सी, ये रेंज हो गई। बहुत फास्ट समझाया मैंने ना, इसको वापस देख ले, ये ऐसे कनेक्शन बनाए, ये फंक्शन है, मैं लिख देता हूँ, ये फंक्शन था ए टू बी, फंक्शन है ए टू बी, कहां से कहां डिफाइन है, देखो ए से बी में, तो ए तो पूरा का पूरा क्या बन गया डोमेन, ये देखो एक दो तीन चार, वन टू थ्री फोर, को डोमेन क्या हो गया पूरा का पूरा बी। एंड रेंज क्या हो गई, जो को डोमेन में से जो जो कनेक्टेड हुए ए बी सी, ये रेंज हो गई ए बी सी। क्लियर है फ्रेंड्स, तो डोमेन को डोमेन एंड रेंज आपके क्लियर है फंक्शन के लिए, नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। थैंक यू वेरी मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करें।